आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो कई पहलुओं में है, लेकिन हर पहलू की अपनी एक महत्ता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो भी मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसके मन ही मन सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। और वो पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते उसकी आंख लग गई। कछुआ अपनी मस्त रफ्तार से चलता हुआ धीरे धीरे जब वो पहुंच गया तो खरगोश की आंख खुली और खरगोश तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। धीमी और लगातार चलने वाला रेस जीतता है, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है और अपनी हार पर चिंतन करता है। उसे समझ आता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुओं के दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीत कर आत्मविश्वास से भरा होता है, तुरंत मान जाता है। रेस फिर शुरू होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता है और कछुओं को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तेज और लगातार चलने वाले धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है, जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी नहीं जीत सकता। वो एक बार फिर खरगोश को अपनी नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस एक बार फिर शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज नदी बह रही होती है। बेचारा खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर फिर रेस जीत जाता है। पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीती जा सकती है। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। इस बार एज ए कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एज ए टीम। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं कैच सेट को और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर उठा लिया। तेजी से दौड़ने लगे। दोनों जल्दी नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया। दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा, फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों साथ साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर इतनी खुशी इन्हें नहीं मिली। टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होती है। इंडिविजुअली हम चाहे कितने भी परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीता जा सकता। अगर लगातार जीतना है तो हमको टीम में काम करना सीखना होगा। हमको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरे की ताकत को भी समझना होगा और अब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ को बेस्ट यूज करना होगा। फिर क्या है, फिर सिर्फ जीत है और जीत भी ऐसी सुनिश्चित है।